हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिबिलन क्लासेस एंड यू आर स्टडिंग बायोलॉजी विद अमित यादव सर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कुछ डिजीज किए थे, आज हम स्टडी करते हैं कि उन डिजीज को कैसे हम प्रिवेंट करें और कैसे उन इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर दोबारा सुनिए, हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास कि कुछ डिजीज हैं वो कैसे फैलते हैं, उनके जो फैलने का मोड है हम उस मोड को ही स्टॉप करें, रोकें। ठीक है, कुछ डिजीज ऐसे हैं जो थ्रू फूड और वाटर से फैलते हैं। ठीक है, सम डिजीज विच स्प्रेड थ्रू डिजीज दैट स्प्रेड्स थ्रू, हमने बताया था आप लोगों को, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो डिजीज कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलते हैं उनको कैसे फैलने से रोकें, और वो कौन कौन से डिजीज हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबॉइसिस, एस्क्रियसिस। ये कुछ ऐसे डिजीज थे जो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है इसी को ही हम कंट्रोल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके पास मेन बात आती है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। ठीक है, जो हाइजीन है ये दो टाइप की होती है, एक होती है पर्सनल हाइजीन और एक होता है पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो पर्सनल हाइजीन में क्या होता है, ये अपने को कीपिंग द बॉडी क्लीन, हमारी बॉडी को खुद क्लीन करना है, कीपिंग द बॉडी क्लीन। अगर अपनी बॉडी साफ सुथरी रहेगी, हम अपनी बॉडी को साफ करके रखेंगे तो क्या होगा, हम इन डिजीज से बच जाएंगे। सेकंड पॉइंट, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्लीन करें, क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, देखो पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं, अगर हम देखो फूड और वाटर से ही फैलता है, हमने बताया था डिजीज, तो क्लीनिंग ऑफ फूड। फूड में क्या क्या आता है भाई, फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स। तो इन सभी को अगर हम साफ करके अगर हम इनको यूज करते हैं अच्छे से, तो हम पर्सनल हाइजीन में इन पॉइंट्स को क्लियर जो हम इंक्लूड करते हैं, और ये हम अच्छे से अगर साफ करके हम रहते हैं तो हमारी मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीनिक कंडीशन टेक प्लेस पर्सनल, और इसकी वजह से डिजीज जो है फैलने से बचेगा और हम लोग भी इससे बचे रहेंगे। सेकंड पॉइंट आता है पब्लिक हाइजीन। पब्लिक हाइजीन में हम क्या बताएंगे कि पब्लिक प्लेसेस पर, पब्लिक जो जगह है वहां पर हाइजीनिक कंडीशंस, जैसे कि मेन जो आजकल की जो प्रॉब्लम आ रही है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की आ रही है, ठीक है। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट शुड बी, अगर वेस्ट है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होगा तो वो पब्लिक हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन होगी। एक्सक्रेटा है, वेस्ट, वेस्ट में क्या क्या आता है, जैसे एक्सक्रेटा आता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा, एनिमल एक्सक्रेटा, ठीक है। और पीरियोडिकली क्लीन करें, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन और डिसइंफेक्टिंग द प्लेस, जो प्लेस है, जो पब्लिक प्लेस है उसको डिसइंफेक्ट करवाएं, स्प्रे करवाएं डिसइंफेक्टेंट से। और जैसे वाटर रिजर्वायर होते हैं उनको साफ करवाएं, ठीक है, वाटर रिजर्वायर है उनको भी क्या करें, डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद में जो कैटरिंग जो प्लेसेस पॉइंट्स होते हैं, टैंक होते हैं, पूल होते हैं, उनको भी हम क्या करें, क्लियर करें, ठीक है। टैंक, कैटरिंग प्लेसेस, उनको भी क्या करें, अच्छे से क्लीन करवाएं। तो ये सब कंडीशंस किस में आती हैं फ्रेंड्स,
पब्लिक हाइजीन में और ये कंडीशन क्या थी पर्सनल हाइजीन में। एक ये तरीका था कि हम कैसे इन डिजीज को इंफेक्शियस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। और सेकंड है कुछ एयरबोर्न डिजीज होते हैं, वो एयरबोर्न डिजीज कौन कौन से हैं, जैसे कि निमोनिया, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये कुछ एयरबोर्न डिजीज हैं। तो इनको फैलने से हम कैसे कैसे रोकें, तो इनको भी ऐसे ही रोकेंगे बेटा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। एंड जो कांटेक्ट में लोग आते हैं, जैसे अभी कोरोना की बात कर रहे थे, महामारी की, कांटेक्ट में जो लोग आते हैं तो कांटेक्ट से भी बचें, क्लोज कांटेक्ट से भी कांटेक्ट को क्या करें, अवॉइड करें। तो ये कुछ टाइप हैं जिनकी हेल्प से हम इनको डिजीज को इन्फेक्शन से रोक सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एयरबोर्न डिजीज की बात की, अब हम बात कर लेते हैं कि वेक्टर बोर्न, ठीक है। कुछ वेक्टर बोर्न जो डिजीज हैं, मींस वेक्टर्स से जो फैलते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज, तो वेक्टर से फैलने वाले कौन कौन से डिजीज हैं, जैसे आपको पता है मलेरिया, जैसे मलेरिया, फिलेरियसिस, ठीक है, ये कुछ वेक्टर बोर्न डिजीज हैं, ठीक है। चिकनगुनिया आप लोगों ने पढ़ा था, डेंगू आपने पढ़ा था, डेंगू, चिकनगुनिया, ये कुछ डिजीज ऐसे हैं जो वेक्टर बोर्न होते हैं, वेक्टर से स्प्रेड होते हैं, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है। वेक्टर है एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज स्प्रेड करते हैं ये वेक्टर। तो हमारा उद्देश्य यहां पर क्या है कि इन वेक्टर को कंट्रोल कर लीजिए, डिजीज भी कंट्रोल हो जाएगा। मोस्ट कॉमन जो वेक्टर होता है हमारा यहां पर वो हाउस फ्लाई है, और मेन जो है वो है मॉस्किटो। तो हम ये देखेंगे कि वेक्टर का जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको इरेडिकेट कर दीजिए, इरेडिकेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ वेक्टर, ब्रीडिंग प्लेस ऑफ वेक्टर, वेक्टर का जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको क्या करें, इरेडिकेट करें। मीन्स इसका मोस्टली जो होता है स्टेग्नेंट वाटर होता है, तो वो स्टेग्नेंट वाटर है उसको हम क्या करें, रिमूव करें। स्टेग्नेंट वाटर, वाटर जो है इसको आप क्या करें, रिमूव करें उस एरिया पर से। सो दैट अगर हम मॉस्किटो की बात करें, मक्खी की बात करें, तो वहां पर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्लियर, तो ये डिजीज भी नहीं फैलेगा। और क्या होता है, अगर मॉस्किटो से कोई डिजीज फैल रहा है तो आप यूज करें मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो नेट्स आप यूज करें। मॉस्किटो नेट यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये मॉस्किटो आप लोगों को बाइट नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से आप सेफ रहेंगे। एक और बताया था मैंने पहले भी आप लोगों को, मॉस्किटो का जो लार्वा है, मॉस्किटो लार्वा, उसको फीड करने के लिए फीडिंग फिश हम यहां इंट्रोड्यूस कर दें, और उसका नाम है गैम्बूसिया। ये क्या करती है, मॉस्किटो के लार्वा को फीड करती है। तो इस प्रकार जब ये मॉस्किटो के लार्वा को फीड करेगी तो लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इनका जो पॉपुलेशन है मॉस्किटो का वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट देखते हैं, हम क्या करें, स्प्रे करें, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स क्या करें, स्प्रे करें, ठीक है, ताकि उस एरिया पर, एट दैट एरिया, ताकि वो उनकी जनसंख्या बढ़ नहीं पाए, रुक जाए, ठीक है। और क्या करें, डोर पर दरवाजा जो है वायर नेट्स बनाएं, आप नेट लगाएं दरवाजे के ऊपर, वायर नेट्स लगाएं ताकि मक्खी और मच्छर अंदर ना जा पाए, ठीक है।
जैसे कुछ डिजीज होते हैं उनके प्रति आप वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं कुछ डिजीज के लिए, जैसे कि पोलियो है, जैसे हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो इन डिजीज से बचने के लिए आप क्या कराएं, आप वैक्सीनेशन करवाएं। टेटनस है, ठीक है, तो इनसे बचने के लिए क्या करवाएं, आप वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवाते रहें, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनको एंटी बायोटिक्स शुड बी प्रीफर्ड, ठीक है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स शुड बी प्रीफर्ड, ठीक है, टू इन्फेक्टेड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इनको यूज करके हम इस डिजीज को, इन्फेक्शियस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं और उनकी जो स्प्रेड है उसको हम रोक सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास कि किस प्रकार से हम इन डिजीज को फैलाने वाले जो कारण हैं इनको, कारणों को रोकें। होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है, और अगर कोई क्वेरी बनती है तो आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, उसके फोन नंबर मैं आपको दे देता हूँ लिंक में। और इस कनेक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों के साथ इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपके लिए नेक्स्ट क्लास की जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके टाइमली। ओके, थैंक यू।